आपका बेटे का इंतकाल हो गया और आपको पता भी नहीं था। माँ बाप ने छुपाया था कैसे ना कि अल्लाह की राख से वापस आ जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अवैस बलोचिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम जाएंगे तबलीग जमायत वालों के नुसरत पे, जो कि साल का जमायत चल रहा है। तो हम जाएंगे और आज का रोज़ा जो है वो भी हम लोग वहाँ पे खोलेंगे दुआओं के साथ। आप लोगों के लिए भी दुआ, आप लोग भी हमारे लिए दुआएं मांगे। तो सबसे पहले चलते हैं तबलीग वालों के पास। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कितना किलो है? 70 रुपया। 5 किलो पागल था। असांगे 1 किलो दे। अंदर 1 किलो दे असांगे 1 किलो। इनमें कटे ना, जो पसंद आया वो तो कटन दी ना बाबा। अभी जा रहे हैं हम नूर मस्जिद के अंदर ही जा रहे हैं और रास्ते में जितने सामान हमने लेने हैं उसे के लिए वही ले रहे हैं। बाबा घने किलो हाँ छो आधे किलो दे भाऊ, आधे किलो भैया 100 रुपये किलो है। हमारे यहाँ 40 रुपये का किलो मिलता है। ये हालत है यार, ये बच्चे को पहचान लो ठीक है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं नूर मस्जिद, और जिस जमायत का हमने ज़िक्र किया था उस जमायत के साथ भी हम मिल चुके हैं। मैं हूँ और मेरे साथ याकूब है, और याकूब के साथ भी आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा हम टाइम देंगे अमीर साहब को ताकि हम अमीर साहब से कुछ सीख सकें माशाल्लाह। और अभी जो है वो जमात के साथ बैठना है, हम भी अपने ईमान को ताज़ा कर लें। तो चलते हैं। अल्लाह के चुने हुए बंदे, ये अमीर साहब और फ्रूट काट रहे हैं इस पतीले में। ये सारे फ्रूट इसमें मिक्स कर रहे हैं। एक मशहूर क्रिकेटर था, क्रिकेट छोड़ के आगे की बात है माशाल्लाह, पाकिस्तान नेवी की तरफ से खेलता था। शादी ने बराबर हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह, पर कल वापसी है मेरी इंशाल्लाह। ये हैं याकूब जो कि हम इकट्ठे आए हुए हैं। अल्लाह हम सबको सलामत रखे और नेक काम करने की तौफीक दे, और साल चिल्ले निकलने की हमें तौफीक दे। अल्लाह हमें तबलीग में बुलाए और अल्लाह सबको कबूल करें, ऐसे रास्तों में निकला करें दोस्तों। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। आपका बेटे का इंतकाल हो गया और आपको पता भी नहीं था। माँ बाप ने छुपाया था कैसे ना कि अल्लाह की राख से वापस आ जाए। क्या बात, एक पहले रमज़ान पे जो है मेरे जो है ना बेटी की इंतकाल हो गया। बेटा जो है ना मेरा लाडला था, 4 बेटी हैं। अच्छा, बेटा था मोहम्मद ईसा नाम था उसका, पहले रमज़ान पे इंतकाल हुआ। माँ बाप ने बात छुपाई, फिर एक स्टूडेंट ने मुझे गाल किया कि सर आपके बेटे का इंतकाल हुआ था, मैं जनाजे पे आया। मैंने कहा पागल है, मेरा बेटा तो ठीक ठाक है। फिर जब मैंने कॉल किया तो अम्मी रोने लगी कि हाँ मैं आपके बेटे का इंतकाल है, लेकिन हमने आपसे छुपा दिया, आज 9वां दिन है, 9 दिन हो गए। बस करीब आते तो अल्लाह ताला इनके हालात तो डालेगा ना, जन्नत में मिलाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला आजिज़ी पसंद करता है, जिसको अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाना चाहता है ना तो उसके अंदर पहले आजिज़ी डालता है। वहाँ भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, लेकिन सिर्फ मुंह से पढ़ता है, जबान से पढ़ता है। अगर दिल में डाला ना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद सामने आ जाएगा। बेशक हमारी ज़िंदगी में खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली हलाक आ जाएंगी, लेकिन हम तो अभी सिर्फ जबान से पढ़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक क्या अल्लाह के निज़ाम माशाल्लाह। अभी भी हमारे रोज़े में तकरीबन 10 या 15 मिनट हैं दोस्तों, तो हमने सोचा कि आप लोगों को दिखा दें। अभी माशाल्लाह हवेस भाई ने बताया कि ये जो मस्जिद है ना, तो इधर पहले घर था, तो उस घर के मालिक ने जो है पहले सिर्फ वहाँ तक था जी। हवेस भाई कहाँ तक? ये जो
सतून लगा हुआ ना बीच वाला, जी यहाँ तक था, और यहाँ से आगे जो था वो घर था। फिर घर के मालिक ने अल्लाह के रास्ते में इस मस्जिद को दे दिया। अब पूरा का पूरा प्लाट ये नूर मस्जिद का है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे दुनिया से जमायतें आती हैं माशाल्लाह, और यहाँ पे आके ठहरती हैं, फिर यहाँ से तश्कील निकलती हैं और फिर मुख्तलिफ़ इलाकों में जाती हैं। अभी आप सोच करें जी, हैदराबाद और कासिमाबाद में मैंने ऐसे अरबों रुपए की प्लेट दे दी उस मालिक ने, तो अल्लाह पाक जो है ना, अल्लाह के राम, अल्लाह पाक उसको अजर दे और इस अमल कबूल फरमाए अपने बारगाह में। माशाल्लाह आज रोज़े का टाइम दस्तरखाना हमारा लग चुका है दोस्तों। अभी जो है हम तैयारी कर रहे हैं रोज़े के। ये देखें, ये है सामने हमारा जमाई। रोज़े के बाद का मंजर आप देख सकते हैं दोस्तों। रोज़ा खोल दिया, अभी नमाज़ पढ़ने के लिए जाएँ बाजू।